आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, मैं बहुत आभारी हूँ। ये सब शब्द हम बोलते हैं, हाँ जरा सूर दे दो, मैं दो चार शब्द ऐसे ही बोल दू। हाँ बोल दू क्या? सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे, बेबुदी के लिए बस एक सनम चाहिए। विनोद खन्ना जी का कुछ बैड न्यूज़ आया अभी तक, आई डोंट नो। नहीं बहुत खराब है तबीयत। नहीं नहीं तबीयत खराब नहीं, अभी बैड न्यूज़ आया, नॉट खराब। चलिए सर, मैं उनके लिए गाना गाया और उनके लिए इतनी बहुत सारे गाने गाए, मैं चाहता हूँ कि अगर वो ठीक हो जाए, ऐसे लोग ठीक हो जाना चाहिए, हम बहुत प्यार करते हैं उनको, काश ऊपर वाले अगर ठीक। सो हैप्पी। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन था क्योंकि काफ़ी लोगों को इन्होंने अवार्ड दिया है, और बाबा साहब दादा अम्बेडकर साहब का जयंती मनाया है इन्होंने, और बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने सब लोगों को अवार्ड दिया है, सबके जिन्होंने हार्डवर्क किया है उसको उन्होंने अवार्ड दिया। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। नहीं, लेख का सवाल नहीं है, ये मेरा ना पैशन है। यू नो, जब भी आप कोई भी काम पैशनेट होके करते हैं तो आपको सही में जो सच, हेलो, आपको सच में मन से, यू नो, आत्मा से निकलती है, और ये क्रिएटिव चीज़ है। इसको मैं पैसे के लिए नहीं करती हूँ। आज इस उम्र में भी मैं सब यंग जनरेशन जो हमारे आगे की पिलर है उनको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेहनत कीजिए, उठिए, आप चलिए, अब उठ के अब ट्विटर और सोशल मीडिया पे ज़्यादा भरोसा ना कीजिए, जो सही जर्नलिज्म है वो कीजिए, उठिए, जाइए, लोगों से बात कीजिए, और उसमें जो मसाला मिलता है उसे आप सच्चाई से पेश कीजिए, तो आपको भी बहुत आनंद आएगा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। इस अवार्ड के साथ जो नाम जुड़ा है डॉक्टर अम्बेडकर साहब का, उससे इस अवार्ड के माने बहुत बड़े हो जाते हैं, तो मुझे बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और जिस तरह इन्होंने सब अलग अलग एरिया से जो लोगों ने अच्छा काम किया है उनको बुला के इन्होंने उनको सम्मानित किया है, ये और भी अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में और अच्छा बेहतर करते रहेंगे, तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं पूरी टीम को। और विनोद खन्ना जी की तबीयत बहुत ख़राब है। हाँ, अब मैं दिल से उनके लिए प्रे करूँगा कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो के अपने घर वापस आ जाएँ, अपनी फैमिली के बीच में,
विनोद जी हम सबके जैसे कई लाखों आदमी जिनके हीरो है रहे हैं वो, तो उनका मुझे भी पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं दिल से यही प्रार्थना करूंगा कि वो जल्दी से ठीक होकर अपने घर वापस आएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक बार फिर से आप और से नवाजा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हिप हिप हुर्रे गर्ल्स पावर रॉक। हम लोग ने दिखा दिया कि वी ऑलवेज विन एनी विच वेज। ह्यूमन राइट्स वालों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा काम सराहा और हमें ये अवार्ड दिया, और कहूँगी कि वो जैसे जो काम कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के लिए वो करते रहें, उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मोटिवेशन आपको काम करते मोटिवेशन मीडिया से ही मिलता है कि मीडिया दिन रात काम करते रहती है, उसके लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम मीडिया के साथ कदम से कदम मिला करके चले। थैंक यू धीरज जी। मैम हाल ही में भी जी का तबियत बहुत खराब हो रहा है, भी देखा क्या। मैं ये कहना चाहूँगी कि मीडिया को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए कि जहाँ तक बात सच हो उतनी ही दिखानी चाहिए, उससे ज़्यादा दिखानी नहीं चाहिए, और अगर दिखानी है तो पूरा पूरा सच दिखाओ, आधा सच मत दिखाओ। सो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। क्या कहना चाहिए? आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर द अवार्ड, दिस इज अमेजिंग एंड मोटिवेशन कहाँ से आता आपको? My God, my mom, dad, and they support me a lot. So yes. बात है कि आज एक अच्छे सामाजिक कार्य के लिए उन लोगों को अवार्ड्स दिए गए हैं जो ट्रूली डिजर्व करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ एक छोटी सी ही बुनियाद पर शुरू होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत बड़ी इमारत बन जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता उस इमारत से एक ऐसी खुशबू आती है कि लोग इस बात की सराहना करते हैं कि आज जो सामाजिक कार्य जनता की भलाई के लिए किए गए हैं वो सराहनीय बन जाते हैं। मैं अपनी तरफ से इतना ही कहना चाहूँगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी हमारे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी जो सपना है हकीकत में बदल रहा है। आज लोग बाग उनके मताधिकार पच्चनों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई विश ये जो अवार्ड फंक्शन है इस तरह के अवार्ड फंक्शन हर साल होते रहें। मैं एक ही बात प्यार से कहना चाहूँगा कि आज अवार्ड लेने वाले और अवार्ड देने वाले इतनी बड़ी संख्या में मैंने कहीं नहीं देखे हैं, बट एनी वेज एक अच्छा कार्य है, हमारी शुभकामनाएं हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो अवार्ड है फले फूले एंड इट्स टू रीच इट्स क्रिसेंडो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। सर क्या कहना चाहेंगे? विनोद खन्ना जी की तबीयत खराब है, आपने पिक्स भी देखा होगा, पर आप क्या कहेंगे? विनोद मेरे लिए मेरे भाई की तरह हैं, और जब मुझे पहली बार कुछ दिन पहले पता लगा कि विनोद की तबीयत अच्छी नहीं है मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उनके घर वालों से संपर्क बनाया, और आज मैं खाली प्रार्थना ही कर सकता हूँ मेरे भोलेनाथ से, मेरे ईश्वर से, मेरे भाई विनोद की, जो एक टाइगर है, ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ मैन विद ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, उसके तबीयत को अच्छा करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ विनोद खन्ना जैसे इंसान जो है वो सिर्फ बिस्तर पर रहें, वो उठें दौड़ें और हमारे बीच में रहें। मेरी यही कामना है और यही मेरी उम्मीद है और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि विनोद खन्ना को भगवान जल्द से जल्द अच्छा करें। It's still on, and every artist, they always feel happy and proud whenever they receive any award. So it's the same feeling every time when I receive an award, and this is a human right function, and where they are honoring me with one of the awards and the appreciation. So hamesha acha lagta hai ek appreciation milna kisi bhi society se. Oscar tak ji kya kahenge uske? Oscar mein apne aap ko award milta hai.
अभी फिलहाल मैं मुंबई में हूँ बट माय प्रोजेक्ट इज ऑन इन यूएस आल्सो आई हैव साइंड विद AESG प्रोडक्शन अमेरिकन ईगल सर्विस एंटरटेनमेंट एंड आई एम गोइंग टू वर्क विद देम इन अ टीवी सीरीज वेरी सून इट्स कॉल्ड एफ स्टॉप मैम हाल ही में विनोद खन्ना जी की तबीयत बहुत ख़राब हुई थी आप क्या कहना चाहेंगे विनोद खन्ना जी बहुत बड़े स्टार हैं एंड उनकी तबीयत ख़राब होने से डेफिनेटली ऑल द इंडस्ट्री हम जितने भी एक्टर हैं एक्ट्रेस हैं और द पूरी इंडस्ट्री को काफ़ी एक होता है बहुत ज़्यादा कंसर्न कि नहीं एक एक्टर की तबीयत ठीक नहीं है सो डेफिनेटली वी ऑल वर फीलिंग वेरी सैड अबाउट इट बट डेफिनेटली ही विल फील बेटर एंड ही विल बी गेट वेल सून वेरी सून थैंक यू आपके जो गुरु थे ज्योतिबा फूले जी उनका भी आज जन्मदिन था तो लेकिन आज का जो ये मुझे अवार्ड मिला मुझे बहुत फख्र वाली बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने औरतों के लिए बहुत सारे संविधान बनाए जो आज हम लोग हक से जी रहे हैं और मुझे फख्र है कि ये अवार्ड मेरा ज़िंदगी के सबसे बढ़िया और अच्छा अवार्ड है और मैं बहुत सारे गाने गा चुकी हूँ फिल्मों में और आप सबकी ओके मौसम फिल्म का गाना था मेरा सज धज के टशन में रहना उसमें मेरा फोक सॉन्ग था मिक्का जी और मैंने दोनों ने गाया था आया लड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया आया ते सदा रंग लिया लाड़ी मुंडा सज धज के टशन में रहना ओ बन ठन के टशन में रहना ये गाना बहुत सुपर हिट गाना गया है आप सब ने बहुत लाइक किया खिलाड़ी 786 का गाना मैंने भूर परी गाया है रमेश रेशमिया जी का म्यूज़िक था उसमें मैंने और जावेद अली जी ने गाया था तो भूर परी है लाजवाब चौदहवीं का चांद है आफताब मैं शहजादी तू मेरा नवाब ये गाना था बहुत अच्छा गाना था वो और मैंने उसमें सूफी गाया है इश्क आप भी अवला और जिदे कम भी अवले जिदे पेश पै जावे कख छड़दा ना पले जावो नी कोई मोड़ ले आओ ते मेरा यार गया जे लड़के अल्लाह करे आ जावे सोना ते देवा जान कदमा Thank you so much. Thank you. Thank you.